अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं लियाकत अली। बता दें, साकरस गांव में दहेज लोभियों पर जहर देकर बहू की जान लेने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने विवाहिता के शव का पंचनामा कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में महिला सहित करीब 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लड़की के भाई ने बताया कि घासड़ा गांव से मैंने अपनी दो बहन नसरीन व सुनहरा की शादी वर्ष 2018 में वकील व नफीस के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। अपनी बहनों की शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से खूब दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग शादी में दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी एक बहन की हत्या कर दी। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीड़ित ने बताया कि अपनी बहनों की शादी में अपने हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल, ढाई ढाई तोला सोना के जेवरात, चांदी के जेवरात, एक एक किलो नकद व नकद 1 लाख रुपए व समस्त घरेलू सामान दोनों लड़कियों को अलग अलग तरीके से दिया गया था। उन्होंने कहा कि सामान से शादी के बाद से ही आरोपी पक्ष खुश नहीं थे, जो बार बार अधिक दहेज की मांग करते थे और पलेरो गाड़ी की मांग करते थे कि जब तक दहेज में पलेरो गाड़ी नहीं देंगे हम तुम्हारी बहनों को नहीं रखेंगे। इस बारे में कई बार पंचायतें हुई, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब जहर देकर उनकी बहन को मार दिया। पीड़ित ने बताया कि वकील पुत्र असकर, नफीस पुत्र असकर, समीम पुत्र असकर, परमीना पत्नी शकील, हमीदन उर्फ मिद्दो विधवा असकर, नुसरत पत्नी नफीस, समा पत्नी समीम, हसीन पुत्र असकर, शकील पुत्र असकर, सभी निवासियान गांव साकरस थाना फिरोजपुर झिरका जिला नुह, इन लोगों ने मेरी बहन को जहर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में बड़ी बहन नसरीन के एक लड़का व एक लड़की पैदा हुई तथा छोटी बहन सुनहरा को एक लड़का हुआ। गत 20 अप्रैल 2022 को सभी आरोपियों ने आपस में मशवरा हो करके दोनों बहनों को दहेज के लिए पूरी तरह मारा पीटा और कहा कि हमें जब तक दहेज में पलेरो गाड़ी भाई लेकर नहीं देगा तब तक हम नहीं आप लोगों को रखेंगे। उन्होंने कहा है कि नफीस को पहले भी ही शादी कर रखी है, इसी तरह वकील भी दूसरी शादी कर लेंगे और घर पर नहीं रखेंगे। जिस बारे में प्रार्थी इतलाह मिली तो प्रार्थी गांव के मौजूद व्यक्ति जिसमें अशरफ सरपंच, वलीम पार्षद, अमीन पंच, इकला पंच व गांव खासड़ा के अन्य मौजियान व्यक्तियों को लेकर गांव साकरस पहुंचे और दहेज आरोपियों से लड़कियों को रखने की गुहार लगाई कि तुम्हारी बहन की मांग पूरी नहीं कर सकते, जिस पर दोषियों ने कहा कि जब तक दहेज में पलेरो गाड़ी नहीं देंगे हम तुम्हारी लड़कियों को नहीं रखेंगे तथा पूरी पंचायत को बेइज्जती करके भगा दिया गया। वहीं बता दें कि गत 27 अप्रैल को सुबह करीब 5 बजे दोनों बहनों को सभी आरोपियों ने आपस में मशवरा होकर बुरी तरह मारपीट की और एक कमरे में बंद करके पिटाई की तथा दोनों बहनों को कमरे में बंद कर दिया तथा नुसरत जो नफीस की दूसरी पत्नी ने कहा कि इनको आज जान से खत्म कर दो, जो दोषी वकील व नफीस समीम ने पकड़ लिया और तथा सभी परिवार ने दोनों बहनों को खूब मारा पीटा। वहीं एक विवाहिता महिला की मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वली मोमन जी, जो ये लड़की की मौत हुई है, कैसे हुई है, किन कारण की मौत हुई है? इसकी मौत ऐसे हुई है जी, ये इनको बार बार जब से शादी हुई है जब से टॉर्चर करते थे, इनकी शादी पसंद नहीं थी, इन्होंने जैसे इनकी औकात थी बेचारे ने अच्छा दान भेज दिया था और शादी भी ठीक करी थी जैसे इनकी औकात थी, उसके बाद में ये मारपीट इनके साथ लगातार करते रहे उस दिन से ही। फिर इन्होंने इसी महीने में रमजान के में 20 तारीख को इन्हें मारपीट करी, इनके साथ मारपीट करी थी, इन पर मैसेज आया रात के सत्र में, ये मेरे पास पहुँचे भाई SS पार से जी, लड़की मारी पीटी हैं और वो घर से बाहर कर रखी है। हमने इनसे कहा कि सुबह चलेंगे, वो तो नहीं चलेंगे, रमजान सहरी करेंगे। सुबह हुए हम वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद में हमने बातचीत करी, वहाँ 10-20 आदमी वो भी इकट्ठे हुए, हम भी गए गाँव से, हमने उनसे कहा भाई तुम बार बार ऐसे टॉर्चर क्यों करते हो, उनकी मारते पीटते हो, अकेला लड़का है बेचारा, इसका पिताजी भी नहीं है और तुम इससे बोलेरो की मांग करो, ये तो तुम्हारी ठीक बात नहीं, तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी। तो कुल मिला के उन्होंने बात ना मानी, बिरादरी को भी बदतमीजी पेश आके नहीं, एक बार तो बिरादरी में से उठ के भग गए, फिर दोबारा उसको बुलवाया बिरादरी ने, हमने कहा यार कैसी बिरादरी जो समाज को ठुकरा के भग रहे हैं,
फिर उस बिरादरी ने बुलाया, बुलाने के बाद में फिर भी हमारी समाज का और उल्लंघन करके नहीं और चले गए, तुम पे जो कुछ हो कर लेना। 20 तारीख के बाद ये बोले यार हमने कोई रिश्ता तो बिगाड़ना नहीं है, इनको यहीं रहने दो। उनने कही 10-5 आदमी ने भाई इनको आप छोड़ जाओ, हम इनको यहाँ सहूलत दिलाएंगे। तो अब कैसे मौत हुई, अब कैसे पता लगा? अब इनके फिर इन्होंने मारपीट करी इनके साथ लगभग 27 तारीख शाम को इनके मारपीट करी इसके साथ, और रात को इनके सबका मशवरा होकर मारपीट करने के बाद में इन्होंने इसकी जो छोटी बहन है उससे भी वो भी मारी पीटी इन्होंने। उसने बताया कि अगर तू किसी से कहेगी तुझे भी मार देंगे। फिर इनको इसने इन्होंने पानी में घोल के इनको 5-4 बजे के बीच में इनको खिलाए थी जहर। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस से हमने पूरा भरोसा है, पुलिस हमारे लिए न्याय दिलाएगा और पूरा भरोसा करते हैं हम प्रशासन पर और गरीब के लिए न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? शौकीन नाम है जी मेरा। जो महिला की मौत हुई है क्या लगती है आपकी? ये मेरी सिस्टर है जी। कैसे मौत हुई है इनकी जी? ये जो 2-3 जने थे इनके साथ सबने ने जहर दिया था मुझे जी। सर 9 जने थे ये। क्या क्या नाम है? ये समीम है, वकील है, नफीस है और हमीद है इनकी सास, और वकील है एक, परमाना है और एक समा है और एक नुसरत है और एक हसीन। जहर क्यों दिया है इसको जी? बार बार टॉर्चर कर रहे थे। इनकी शादी 2018 में हुई थी और कम से कम लगभग 3-3.5 साल से भाई हमें ये दो फिर कहते रहे कि भाई तुम गाड़ी ना देंगे जब तक, बलेरो ना देंगे जब तक, हम ऐसे ही करते रहेंगे। छोटे जो छोटे मेरे बहने उसने दूसरी शादी कर ली, फिर ये बड़ी कहने लगे, बड़े अब ये कहने लगे भाई अगर तुम मतलब गाड़ी ना देंगे तो मैं भी दूसरी कर लूँगा। आपका कौन सा गाँव है? जो आपकी सिस्टर है ये कौन से गाँव में शादी कर? मेरा गाँव घासेड़ा जी, और इस साकरस में है मेरी दोनों सिस्टर। क्या नाम है इनका जो इनकी मृत्यु? एक का नाम नसरीन जी, एक का नाम सुनहरा है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है? नसरीन जी। कितनी एज है लगभग? लगभग होगी 28-29 साल की। तो पुलिस को शिकायत दे दी आपने? हाँ दे दी सर। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या कहना चाहते आप? सर यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और हमें भरोसा है प्रशासन इंसाफ दिलाएंगे जरूर। सुधीर जी, जो ये महिला की मौत हुई है क्या नाम है और कितनी उम्र है, कहाँ की ये रहने वाली है? ये महिला का नाम नसरीन है, इसके पति का नाम वकील है, ये साकरस गांव की रहने वाली है और 30 साल इसकी उम्र है। और इसके बताया जा रहा है कि घर वालों ने, जो इसके सास ससुर है उन्होंने और जो इसके पति है उनके, उन्होंने मिल के इसको जहर दिया है। इस प्रकार की हमें दरखास्त प्राप्त हुई, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी है आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उस हिसाब से आगे पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है जी। जो महिला मरी है क्या लगती है आपकी? ये जी मेरे मामा की लड़की है जी, जी। ये साकरस गांव में ब्याही थी और जी घासेड़ गांव से है। इनको जी बार बार लगातार ये 2018 में शादी हुई थी, बार बार इनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे लोग। आखिर में इन्हें 27 तारीख में मारपीट कर गए। ये दो बहन थी तो इसके दो बच्चे भी हैं जी, मरी है नसरीन, इसके दो बच्चे, एक अभी लड़की हुई है इसकी 8-10 दिन की ही, और इसको प्रताड़ित किए करते थे। बहुत बार पंचायत भी जाली लेकिन इन लोगों ने भाई कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ इन दरिंदों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और मैं प्रशासन से यही गुहार लगा रहा हूँ जी, ये गरीब बच्चा है और जी प्रशासन पर हमें भरोसा भी है, आप इनमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है।